खबर यूपी के उन्नाव जनपद के मौरावा थाना क्षेत्र से आ रही। होली का पर्व एक दूजे के रंग व गुलाल लगाकर गले मिलकर भाईचारे के साथ मनाया गया, लेकिन इस बार की होली में एक अलग तरह की चर्चा देखने को मिली। वह कौन सी बात है ये आपके दिमाग में भी खटक रही होगी, वो लोकसभा के चुनाव की चर्चा थी। लोग एक दूजे को गुलाल लगाने के साथ उन्नाव चुनाव पर चर्चा करते नजर आए। कोई समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन की खामियां गिनाता तो कोई भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज की खामियां गिनाता। वोट किसको दिया जाए यह प्रमुख चर्चा का विषय बना था। कोई समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात करता तो कोई मोदी को जिताने की बात करता तो कोई बसपा को जिताने की बात करता। अध्यक्ष नगर पंचायत मौरावा विवेक सेठ की कोठी पर नगरवासियों के साथ मौरावा चेयरमैन ने रंगों के त्यौहार होली को एक दूजे के साथ रंगों के त्यौहार को मनाया। इस बार की होली गंगा जमुना तहजीब पर मौरावा चेयरमैन के साथ मनाई गई। हिंदू और मुस्लिम लोगों ने रंगों के त्यौहार में एक दूजे से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। आइए देखते हैं मौरावा चेयरमैन कुंवर विवेक सेठ ने हमारे संवाददाता गौरी शंकर सिंह से क्या कुछ कहा। नमस्कार सर जी, सर होली का त्यौहार है, सब लोग अपने अपने घर में मना रहे हैं, आप नगर के अध्यक्ष हैं, आपने जीतने के पहले होली में वादा किया था नगरवासियों से कि मैं हर साल नगरवासियों के साथ में होली मनाएंगे और खेलेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है अपने घर से मगर दूर होकर और नगर वालों के साथ में होली मनाना? देखिए सर्वप्रथम तो ये कहूँगा मैं अपने घर से दूर नहीं हूँ, हाँ अपने निजी परिवार से दूर हूँ, लेकिन मेरा घर मेरा पैतृक निवास मोरावा है। मेरे अपने यहाँ के नगरवासी मेरे परिवार से कम नहीं है, तो मुझे परिवार ना होते हुए भी सर्वप्रथम तो परिवार की कमी नहीं खल रही है, और बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, युवा साथी भी आ रहे हैं, तो किसी प्रकार से कोई कमी नहीं खल रही। और जो वादा मैंने किया था पिछली बार दौरान चुनाव होली पड़ी थी, अब की बार प्रथम होली है चुनाव के बाद जब से चेयरमैनी मैं जीता हूँ, तो मैंने अपना वादा पूरा किया और इसी प्रकार हर वर्ष होली यहाँ पे मैं मनाता हूँ। अब ये होली त्यौहार भी लगभग हो चुका है और चुनाव भी लगभग आने वाला है जी। चुनाव में देखा जाए तो पूरे जो अध्यक्ष नगर के थे वो भाजपा ज्वाइन कर लिया है और आप भी भाजपा के हैं, माननीय विधायक जी भी भाजपा के हैं, तो लोगों में चर्चा बनी हुई है कि सपा का तो मौराम खाता ही नहीं खुलेगा। आपको क्या लगता है क्या सपा का खाता नहीं खुलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सपा का खाता नहीं खुलेगा, हमारा काम हमको करना है, इन्होंने ज्वाइन किया है, आगे भविष्य में सामने आ ही जाएगा कि इनका परिवार कितना भाजपा के साथ रहा है या नहीं रहा है। मैं उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जब वोट होएगा उसके बाद मत गिने जाएंगे तो अपने आप सबके सामने आ जाएगा कि कौन कितना किसके साथ है।